हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है रॉक हीरो वाइस टाउन गेम की एक और धमाकेदार वीडियो में। तो यार मैंने ना अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि मैं भाई पुरानी कार को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचता हूँ। और देखो ये रही एक कार जिसे खरीदने के लिए कस्टमर भी खड़े हैं, तो इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर बोलिए, क्या हुआ, आप कार खरीदना चाहते हैं? अरे हाँ बेटा, कार पसंद तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या हुआ सर, हमें बताइए। वो मुझे याद आया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कार कहाँ से खरीदूंगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। अबे यार पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है और कार खरीदनी है। चलो कोई ना, दूसरे कस्टमर को संभालते हैं। हाँ जी सर, लगता है आपको कार पसंद आ रही है, खरीदना चाहेंगे इसे? अरे भाई पसंद तो बहुत आ रही है, लेकिन मैं यहाँ खरीदने नहीं इसे बल्कि एक फोटो क्लिक करने आया था, जो कि मेरा काम हो गया, अभी मैं चलता हूँ। अबे यार ये तो फोटो खिंचवा रहा था, मुझे लगा यहाँ पर कस्टमर है ये। चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, अभी एक काम करते, इस कार को लेके ना टिप्सन दादा के घर चलते हैं। वैसे भी टिप्सन दादा से मिले काफी ज्यादा दिन हो गए, चलो आज चलते हैं और मिल के आते हैं टिप्सन दादा से। और फाइनली यार ये देखो, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टिप्सन दादा के घर पे। तो अभी मैंने कार को यहाँ पर पार्क कर दिया है और वो देखो यार, वो खड़े अपने प्यारे टिप्सन दादा। हेलो टिप्सन दादा, कैसे हो आप? अबे भाई रॉफिरो, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन तू ये बता, ये चमचमाती नई कार कहाँ से लेके आया है तू? अरे ये कार टिप्सन दादा, ये तो मैंने बेचने के लिए रखी है। अरे यार रॉफिरो, ये कार मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसकी प्राइस क्या है वैसे? इसकी प्राइस ज्यादा नहीं है टिप्सन दादा, खाली 15 लाख रुपए। अरे क्या बात कर रहा है छोटे, इतनी सस्ती कार 15 लाख रुपए से? रॉफिरो मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ, मैं तेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ। मेरी हुई, जल्दी से इसको मेरे घर के पीछे लगा दे। ओके टिप्सन दादा, अभी लगाता हूँ। यार ये तो काफी अच्छा काम हो गया, देखो अभी तो मेरी कार भी बिक गई। चलो अभी इसको जल्दी से टिप्सन दादा के घर के पीछे पार्क कर देता हूँ। और फाइनली यार ये देखो, अभी मैंने यहाँ पर कार को पार्क कर दिया है, तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं टिप्सन दादा के पास में। तो टिप्सन दादा, आपकी कार मैंने अभी पीछे खड़ी कर दी है। ठीक है रॉफिरो, मैंने तेरा पेमेंट भी कर दिया है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। अरे लेकिन एक मिनट यार, ये डेंजरस विलन क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ बोल विलन, क्या हुआ? अरे रॉफिरो जल्दी से अपनी आर्मी वाली जीप लेके आ जा, आज तेरे साथ एक रेस करूंगा मैं। क्या कहा, आर्मी जीप लेके आ जाऊँ, लेकिन कहाँ पर? अरे रेस वाली लोकेशन पर भाई, जल्दी आ, सभी लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे लेकिन, अरे इसने तो फोन ही काट दिया यार, ये रेस वाली लोकेशन पे बुला रहा है मुझे। इसका मतलब आज कोई रेस होने वाली है, मैं भी पहुँचता हूँ रॉफिरो, जल्दी से तू अपनी गाड़ी लेके तू भी पहुँच जा वहाँ पर। चलो यार, अभी टिप्सन दादा ने बोल ही दिया है, तो मैं भी अपनी आर्मी जीप को लेके पहुँचता हूँ रेस वाली लोकेशन पर। और अभी फाइनली गाइस, मैं अपनी आर्मी जीप को लेके यहाँ पर रेस वाली लोकेशन पर आ चुका हूँ। और देखो भाई मेरे पास तो आर्मी जीप है, और अभी चल के देखते हैं आखिर विलन कौन सी गाड़ी लेकर आया है। तो गाइस ये तो इसकी BMW बाइक है। और फिर आज तुझे इसी BMW से रेस हराऊंगा, और आज की रेस को स्टार्ट होने से पहले तुझे रूल बता देता हूँ कि जो भी आज हारेगा वो जान से मारा जाएगा। हाँ भाई पता है, मुझे पता है। और भाई ये भी पता है कि जो रेस जीतेगा वही उसे मारेगा, मतलब रेस में मजा तो आएगा। और यहाँ पर देखो भाई, हल्क भी आ चुका है रेस को स्टार्ट करवाने के लिए। भाई मुझे रेस स्टार्ट करवानी है, जल्दी से सभी अपनी अपनी पोजीशन लो। भाई 2 मिनट रुक जा, एक बार देखने दे इधर क्या सीन है। जीतेगा भाई जीतेगा, डेंजरस विलन जीतेगा। अरे हाँ भाई हाँ, रॉफिरो लूजर है और हमारा डेंजरस विलन विनर। अच्छा तो ये लोग डेंजरस विलन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इसमें थेनोस, ग्रैनी, ग्रैंडपा और बैटमैन है। और यहाँ पर देखो भाई, मेरे पीछे खड़े हैं मेरे सपोर्टर्स, जिनमें है टिप्सन, सुपर हीरो मटेंट और स्पाइडरमैन। तो भाई मजा तो आएगा। चलो यार अभी रेस स्टार्ट होने वाली है, तो मैं फटाफट से अपनी आर्मी जीप के अंदर बैठ जाता हूँ। और भाई विलन तू भी अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ जा। अरे हाँ भाई, मैं तो कब से रेडी हूँ रेस के लिए, अभी बैठता हूँ, तुम तो बैठ जाओ पहले। देख भाई विलन, मैं तो बैठ गया हूँ, तू भी बैठ जा। अरे तो ये लो भाई, अभी तो मैं भी अपनी बाइक के ऊपर बैठ गया हूँ। चलो हल्क दादा जल्दी से काउंटिंग स्टार्ट करो। हाँ भाई बिल्कुल सही बोला, चलो अभी हल्क काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है, 1 2 3 एंड गो। तो भाई यार अभी देखो रेस स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई ये क्या भाई, डेंजरस विलन तो रेस स्टार्ट होती है अपनी गाड़ी को भगाने लग गया। रो फिरो, मुझे नहीं लगता तू अपनी इस खटारा सी जीप से मुझे हरा पाएगा, आज की रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ। देखो यार ये विलन एक नंबर का गधा है, मेरी प्यारी सी आर्मी जीप को ये खटारा जीप बोल रहा है, लेकिन इसे तब पता चलेगा जब मैं आज की रेस जीत जाऊंगा। अरे वाह विलन, कमाल कर दिया, स्टार्टिंग में ही रॉफिरो को पीछे छोड़ दिया, बल्ले बल्ले। अरे ग्रैंडपा ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, ये रॉफिरो पीछे ही नहीं बहुत पीछे रह जाएगा। देखो यार ये विलन का बच्चा कितनी ज्यादा हवाबाजी कर रहा है, लगता है इसको मजा चखाना पड़ेगा। तो देखते जाओ अभी मैं कैसे इसकी BMW बाइक को अपनी आर्मी जीप से पीछे करता हूँ। इसे शायद मेरी आर्मी जीप की पावर के बारे में पता नहीं है गाइस। तो ये देखो अभी ये मुझसे वापस से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है इसको पीछे छोड़ने का समय आ चुका है। तो चलो गाइस अभी फटाफट से अपनी गाड़ी का चौथा गियर डालते हैं और इसको जल्दी से पीछे कर देते हैं। अबे रॉफिरो मेरी बराबरी में क्यों चला रहा है, अबे मुझे टक्कर मारेगा क्या रॉफिरो, थोड़ा साइड में चला। अरे विलन मेरी गाड़ी तो यूं ही चलेगी, अगर तुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है तो अपनी गाड़ी साइड में चला लेना। समझ गया रॉफिरो, तू बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है, और तूने मुझे दिमाग लगा कर पीछे भी छोड़ दिया ना, लेकिन अभी तुझे मैं बताता हूँ। रॉफिरो अभी चाहे से कुछ भी हो जाए, इस विलन को आगे
आगे मत निकलने देना रेस में। हाँ सुपर हीरो तू टेंशन मत ले भाई, इसको मैं किसी भी हाल में आगे नहीं जाने दूंगा अब तो। अरे और रॉफ हीरो बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर, जरा देख तो मैं तुझसे आगे निकल चुका हूँ, अब मैं तुझे आगे नहीं निकलने दूंगा। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये विलन एकदम से आगे कैसे निकल गया, और तेरी देखो मेरी यहाँ पर गाड़ी भी ठुक गई। देखो बेचारे रॉफ हीरो की गाड़ी भी ठुक गई, अब ये मुझसे कैसे आगे निकलेगा, मैं तो इससे कितना आगे आ चुका हूँ। ज्यादा देर तक आगे नहीं रह पाएगा विलन, अभी दिखाता हूँ तुझे मेरी आर्मी जीप के स्पेशल फीचर। तो यार अभी देखो भाई मेरी गाड़ी चल रही है एकदम टर्बो मोड के ऊपर। अरे यार अभी तक तो रॉफ हीरो आगे चल रहा था, लेकिन एकदम से विलन ने रॉफ हीरो को पीछे छोड़ दिया। समझ ही नहीं आ रहा कि आज की रेस को कौन जीतेगा, रॉफ हीरो या फिर डेंजरस विलन। अरे भाई टिप्सन आज की रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ, और रूल्स के मुताबिक अगर रॉफ हीरो आज की रेस हारेगा तो मैं अपने हाथों से इसे जान से मार दूंगा। विलन के बच्चे इतना ज्यादा खुश मत हो, रेस तो मैं ही जीतूंगा, ये देख अभी मैं आ चुका हूँ तेरे पीछे पीछे। अबे लेकिन ये क्या यार, ब्रेक ही नहीं लगे मेरी गाड़ी के। तो अभी फाइनली मेरी गाड़ी रुक तो गई है, लेकिन मुझे रोकना नहीं है भाई, मुझे तो अपनी गाड़ी को भगाना है। और वो देखो भाई वो जा रहा डेंजरस विलन, जल्दी से भगाते अपनी गाड़ी को और इसकी बराबरी पे पहुंचते हैं। तो गाइस यार रेस में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, वैसे मुझे आप लोग ये बताओ कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि आज की रेस को कौन जीतने वाला है, रॉफ हीरो या फिर डेंजरस विलन। और हाँ यार अगर आप लोग रॉफ हीरो की टीम को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप डेंजरस विलन की टीम को सपोर्ट कर रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दो डेंजरस विलन टीम। देखते हैं आज की इस धमाकेदार रेस को किसकी टीम जीतने वाली है। तो अभी देखो भाई रॉफ हीरो डेंजरस विलन की बराबरी पे भी पहुंच गया। अरे ये क्या, रॉफ हीरो तो मुझसे काफी ज्यादा पीछे था, एकदम से इतनी आगे कैसे निकल सकता है ये। अरे विलन मैंने तो बोला ही था तुझे मेरी आर्मी जीप की पावर के बारे में नहीं पता शायद, तू बड़ा उछल रहा था ना कि तू रेस जीतेगा, लेकिन अभी देख मैं तुझसे आगे निकल चुका हूँ और आज की रेस भी मैं ही जीतूंगा और अपने इन हाथों से तेरा मर्डर कर दूंगा। अरे डेंजरस विलन क्या कर रहा है, जल्दी से इस रॉफ हीरो के बच्चे को पीछे छोड़ना, लगता है तू आज रेस हार के ही मानेगा, हमारी और बेइज्जती करवाएगा तू। अय्या ग्रैनी तू अपना मुंह बंद ही कर ले, आज की रेस तो हमारे रॉफ हीरो भाई जीतेंगे, रॉफ हीरो भाई जिंदाबाद। अरे तुम्हारा रॉफ हीरो भाई गया तेल लेने, आज की रेस तो डेंजरस विलन ही जीतेगा, अभी देखो मैं अपनी BMW बाइक को कैसे भगाने वाला हूं। तो यार अभी तो दोनों प्लेयर्स ही लगभग बराबरी के ऊपर चल रहे हैं, और एंडिंग पॉइंट यहां से खाली 500 मीटर की दूरी पे है, तो बस अभी रेस खत्म होने वाली है। तो देखते हैं कि आज की रेस को कौन जीतने वाला है। अरे भाई टिप्सन और कौन जीतेगा, रेस तो मैं ही जीतने वाला हूं, और आज तो ये विलन का बच्चा गया मेरे हाथों से। अरे यार ये रॉफ हीरो का बच्चा तो मुझसे आगे चल रहा है, और अभी तो एंडिंग पॉइंट भी आने वाला है, मुझे कुछ भी करके इससे आगे निकलना ही होगा, अगर मैं रेस हारा तो ये मुझे जान से मार डालेगा। देखो यार विलन की कैसी हवा निकल रही है, स्टार्टिंग में तो कितना ज्यादा फुदक रहा था कि मैं अपनी BMW बाइक से तेरी इस खटारा जीप को हरा डालूंगा, और अभी बेचारा ये तो गया, तो अभी फाइनली मैं एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गया, और गाइस अभी मैं जीत भी चुका हूं आज की इस रेस को। तो अभी विलन की खैर नहीं, कहां है विलन, तो तेरी तो ये ले। गाइस देखो मैं रेस भी जीत गया, और मेरे एक पंच में यहाँ पर विलन के पूरे दो टुकड़े हो चुके हैं, आया था मुझे रेस हराने वाला। तो चलो अभी चल के देखते हैं इसके सपोर्टर्स का क्या हाल है जो कि वहाँ पर खड़े हैं। देखो भाई चारों के चारों यहाँ पर अपना सिर पकड़ के रो रहे हैं क्योंकि इनका प्लेयर हार गया और मारा भी गया। और गाइस दूसरी तरफ है मेरे सपोर्टर्स जो कि काफी ज्यादा खुश है, और मुझे पता है आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे। तो भाई मैं जीत चुका हूँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ यार बेल आइकन पे क्लिक करके इसको ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।